मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहा है। वल्लभ नगर और धरियाबाद सीट पर पार्टी की न केवल करारी हार हुई है बल्कि संगठन में चल रही खेमेबंदी का भी परिणाम सबके सामने आ चुका है। यहां तक कि वल्लभ नगर में तो अपने प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। अब पार्टी में वसुंधरा राजे को फ्रंट में लाने की मांग फिर से जोर पकड़ेगी। चुनाव के तत्काल बाद कुछ नेताओं ने तो इस मांग को कल ही उठा दिया था। वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी वल्लभ नगर सीट पर जीत तो नहीं सकी लेकिन करीब 25% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहकर सबको चौंका दिया। इन उपचुनाव के बाद आने वाले 2023 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने नया संकट खड़ा हो चुका है। तीसरे मोर्चे के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी किसान वर्ग के मजबूत वोट बैंक के सहारे आने वाले समय में प्रदेश में नए समीकरण भी बनाएगी और राष्ट्रीय पार्टियों के समीकरणों को बिगाड़ सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट, व्हाट्सएप तो आप सभी चलाते होंगे। अगर चलाते हैं तो व्हाट्सएप आपके लिए एक नया फीचर लेकर आया है। आपको बता दें, अभी तक डिलीट फॉर एवरीवन फीचर के इस्तेमाल से आप 68 मिनट तक के मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते थे। अब व्हाट्सएप इस समय सीमा को खत्म कर रहा है, यानी कि आप जब चाहे अपना भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर किसी के पास गलत मैसेज चला जाता है तो आप उसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं। और बड़ी अपडेट आपके लिए, सर्राफा बाजार में धनतेरस गुजरते ही सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी जयपुर में जहां धनतेरस के दिन सोने की कीमत 49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम थी जो बुधवार को घटकर 49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इस तरह से सोने की कीमतों में 400 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी हुई है। वहीं चांदी में भी प्रति किलो 1600 रुपए की गिरावट देखी गई है। बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 65,000 रुपए प्रति किलो रही। एक और बड़ी खबर, अगर त्योहारी सीजन में आपको भी बैंक से जुड़ा हुआ कोई जरूरी काम है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें, इस पूरे हफ्ते बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बताते, दिवाली के चलते ज्यादातर सभी शहरों के बैंकों में कामकाज बंद हो गया है। यही थी प्रदेश की आज की कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट्स दिवाली की। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।